मेरे से फ्रॉम बड़ौदा। मेरा जैसे लोगों को पता है कि मेरा पंजाब का एक टूर है फरवरी 11 से लेकर डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी क्लाइंट्स आर कमिंग फॉर 7 to 10 days। उसके बाद मैंने फैसला किया है कि गुजरात जाऊं। गुजरात से बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं। गुजरात आपको पता है कि पंजाब के बाद गुजरात एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है इमिग्रेशन एक्टिविटी का। बहुत सारे गुजराती लोग अप्लाई करते हैं कैनेडा के लिए और भी कंट्रीज के लिए। और जो गुजरात की जो इंक्वायरीज आती हैं मेरे पास, जो जिनके रिफ्यूज़ल केस होते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन केसेस होते हैं, डिपोर्टेशन वगैरह, शादी के कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, तो उस तरह के केसेस मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ कि जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स केसेस है उसको सॉल्व करें। और तीन चार मेरे को इंक्वायरी भी आई हैं। एक तो मेरे को 3 दिन पहले, मैं किसी का नाम नहीं लेता, 3 दिन पहले भी किसी की मेरे को अहमदाबाद से एक कोई इंक्वायरी आई थी। तो मेरे को बहुत मन है गुजरात जाने का। गुजरात में आज से 2 साल पहले भी जा चुका था। किसी कंपनी ने मेरे को बुलाया था। वहाँ पर बड़ौदा और अहमदाबाद में घूम चुका हूँ। और गुजरात का मेरे को खाना बहुत पसंद है। वहाँ का फाफड़ा और वहाँ की जो क्या कहते हैं आपको, बन मस्का, मेरे को काफ़ी काफ़ी पसंद है वहाँ पर। और गुजरात का जो फर्शन तो वो काफ़ी मशहूर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इन कैनेडा अमेरिका। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं कुणाल इस वक्त बड़ौदा से, और ये मेरे लोकल कोऑर्डिनेटर हैं। मेरा पहली बात मैं बता दूं, मेरा पूरे ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर कैनेडा भी मेरा कोई ऐसा कोई एजेंट वगैरह नहीं मैं रखता हूँ, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ मैं अपने हाथ से करता हूँ। मैं कभी किसी के साथ मतलब कोई कोलैबोरेशन करता हूँ तो मैं उनको एक जैसे ऐसे ऐसे एज अ कोऑर्डिनेटर यूज़ करता हूँ। तो अगर कोई गुजरात से मेरे पास केस आता है तो मैं उसको फिजिकली अपने हाथ से करता हूँ। मेरे पास दो असिस्टेंट हैं, एक कनाडा में है, एक मेरे पंजाब में है, उनका नाम है हरविंदर सिंह लुधियाना में, और दूसरा है सुखमन, जो वहाँ पर पंजाब में आएंगे। लेकिन गुजरात में अकेला जाऊँगा और मैं लोगों से मिलूंगा और देखूंगा क्या समस्या है। तो उसके बारे में अगर किसी को कोई कांटेक्ट करना है, कैसे करना है, तो कुणाल ठक्कर लोकल कोऑर्डिनेटर हैं और वो अपने बारे में बताएंगे आपको, और फिर उनसे आप कांटेक्ट करके अपने अपॉइंटमेंट वगैरह बुक कर सकते हैं। कुणाल बताइए अपने बारे में, कहाँ पर है आपका ऑफिस, है कहाँ पर है बड़ौदा में आप? मेरा ऑफिस ग्लोबल सॉल्यूशंस गैंडा सर्कल है, 610 अटलांटिक साइट्स अब अर्बन फिटनेस जिम नियर गैंडा सर्कल। सेमिनार की कोई भी इंक्वायरी के लिए आप 9998566067 ये नंबर है मेरा, तो आप डायरेक्टली कोई भी इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकते हो। थोड़ा सा धीरे धीरे करके फिर दोबारा रिपीट कर देना, धीरे धीरे करके 999 के अंदर। हाँ फिर कॉन्टेक्ट नंबर आएगा 9998566067। गुजरात ओके गुजरात गुजरात के किसी भी एरिया से चाहे, तो आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन बड़ौदा एंड अहमदाबाद, आनंद से भी, सूरत से, वापी, आई वेंट आई सॉ सम प्लेसेस, कहीं भी ऑल ओवर गुजरात से कहीं भी अगर कोई इमिग्रेशन के बारे में अगर किसी को कोई समस्या है, मैं दो तीन कैटेगरी बोल देता हूँ, बाकी तो आई कैन डील विद ऑल कैटेगरीज जो मेरे पसंदीदा कैटेगरीज हैं। अगर किसी में कोई ऐसा कोई मैरिज का कोई केस है, फैमिली स्पॉन्सरशिप केस है जहाँ पर स्पाउस वीज़ा लगना है, या पीआर के लिए किसी ने स्पॉन्सर किया किसी को, वाइफ एंड हस्बैंड को, उसका केस डिनाई हो गया, उसकी अपील चल रही है, उस तरह की केसेस मैं जरूर मैं मिलना चाहूँगा लोगों से। किसी का कोई डिपोर्टेशन हो गया है कनाडा या इवन अमेरिका से और उसको दोबारा क्वालिफाई करना, तो उस तरह के केसेस में ले सकता हूँ। गुजरात के काफ़ी लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, जैसे पटेल्स वगैरह जिनके होटल मोटल खरीदते हैं लोग बाहर आके, तो उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर कोई पूछना है कनाडा के, उस तरह के केसेस हम मिलेंगे जरूर। स्पाउस वीज़ा है जिन जो ऑलरेडी अगर आपके हस्बैंड एंड वाइफ ऑलरेडी स्टूडेंट हैं या वर्कर हैं कनाडा में, उनको अपने पार्टनर्स को ले जाने में कोई तकलीफ हो रही है या कोई रिजेक्शन लगते हैं, एक बार दो बार तीन बार चार पांच की बात, तो उस तरह केसेस मैं मिलना चाहूँगा। और उसके अलावा मिसलिनियस जो भी आते हैं तो उसके बारे में इंक्वायरी आपको दूंगा, जैसे पॉइंट सिस्टम है जिसके पॉइंट्स की पूरे हो रहा है, बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग। मैं आपको कानूनी एक इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि कई बार लोग मेरे को कॉल करते हैं कि मेरे जी 350 पॉइंट बन रहे हैं, 380 पॉइंट बन रहे हैं, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट, मैं क्या, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। आई कैन टेल यू यू डोंट क्वालिफाई। तो अगर आपको खुद ही मालूम पड़ जाता है तो आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। बाकी ये है कि एक्सप्रेस एंट्री में जहाँ अगर आपके नई पॉइंट बनते हैं, अगर आप एक्सप्रेस प्रोफाइल बनाते हैं, आपकी ऑक्यूपेशन अगर अगर एक सिलेक्ट ऑक्यूपेशन में आती है जो क्रिटिकल ऑक्यूपेशन है, उसमें हो सकता है कि आपको नॉमिनेशन कोई एक्सप्रेस एंट्री के विद इन कोई नॉमिनेशन कोई प्रॉब्लम्स दे दे, तो वो आपकी कुदरती बात है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और आई डोंट थिंक एनी कंसल्टेंट कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। तो उसके बारे में आप ना ही आए मेरे पास, जितने मैंने कैटेगरीज बताए इस बारे में अगर आएंगे, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में मैं आपको जरूर
आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। बाकी जैसे टूरिस्ट वीज़ा है, विजिटर वीज़ा मैं लगाता नहीं किसी के लिए, क्योंकि विजिटर वीज़ा मेरे हाथ में नहीं है। विजिटर वीज़ा में तो कोई ऐसे कानून चलता नहीं है, वो एक डिस्क्रिप्शन होता है उनको कि अगर आप वापस आने के लिए उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं वीज़ा ऑफिसर को, तो आपको दे देंगे। बाकी उसमें कोई लॉयर या कंसल्टेंट कोई अपनी कोई इसमें कर सके, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन मच, बट ऑफ कोर्स आई कैन टेक अ लुक। कुणाल, और कोई आपके पास कोई चीज है शेयर करने वाली? तो ये हम ये करेंगे करीब करीब, आप सोचें कि जो अगला मंडे पड़ने वाला है 11 तारीख के बाद, विच इज क्लोज बी अराउंड 16 या 17 के टाइम, उस हफ्ते में हम लोग करेंगे, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी क्लाइंट्स आर कमिंग, वी डोंट नो क्लाइंट्स कष्ट करेंगे। नॉर्मली मैं किसी दूसरे जब शहर जाता हूँ, जैसे मेरे पास हैदराबाद की इंक्वायरीज भी है कुछ, तो मैं मेरा बेस है दिल्ली से, मैं जाता हूँ और जब तक एटलीस्ट 10-12 क्लाइंट्स ना हो तो मेरे को जाने का कोई फायदा नहीं, अदरवाइज आई कैन टॉक टू पीपल ऑन द स्काइप आल्सो या व्हाट्सएप पे बात कर सकता हूं। तो हां, अप्रोक्सीमेटली करीब करीब अगर 8-10 क्लाइंट्स अगर होंगे आपके बड़ौदा में, तो जरूर आके उनसे रूबरू फेस टू फेस मिलेंगे, और उनको अगर लगता है, मेरे को अच्छी तरह याद है कि एक पिछले साल मैं दिल्ली में, फरवरी की बात या मार्च की बात थी पिछले साल, तो मेरे पास लोग सूरत से एक फ्लाई करके लोग फैमिली आई थी, तो मैंने उनको बड़ा हैरानी हुई कि आप पहली बार दिल्ली आ रहे हो सूरत, और वो एयरपोर्ट से ढूंढते ढूंढते वो होटल आए, और यू नो उनको अच्छा लगा कि उनसे फेस टू, वो कहते हैं नहीं बात हमें फेस टू फेस ही करनी है, क्योंकि प्राइवेट बात थी कुछ, ये हमें वैसे फ़ोन पे नहीं करनी, तो हम आपको पहले मिल के पहले तसल्ली करनी थी, आप असली वही हो जो दिखते हो यूट्यूब पे, और आपको फेस टू फेस करनी थी। मैंने कहा मेरे को बड़ा अच्छा लगा, और फिर यू नो I enjoy the trust that people show in me कि भी हाँ आपको मैं सही एक information दे सकूँ। Right. ऐसे consultation fees तो हम charge करते हैं, क्योंकि normally अगर आप किसी भी agent या consultant के पास जाओ, तो हर एक ने कुछ ना कुछ उन्होंने आपको charge करना है, किसी ने 1,00,000 रुपए 2,00,000 रुपए application डालने के लिए, तो मेरी वो उतनी fees नहीं है, मेरी fees सिर्फ $275 fees है। अगर आपको knowledge नहीं है किसी चीज की, और आपको नॉलेज प्रॉपर मिलेगी, प्रॉपर एक कानूनी एक सलाह मिलेगी, उससे आपके पैसे बचेंगे, फ्यूचर आपका जो गलती हो अगर होनी थी वो बच जाएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन से बच सकते हो, तो 275 में आपको इतना सब मिलेगा। बाकी उसके बाद केस आप मेरे पास 1-2 घंटे बैठोगे, और मैं आपको सारा केस आपको बता दूंगा कि आपको कैसे फाइल करना। अगर आपकी मर्जी है तो अपनी एप्लीकेशन अपने आप लगा लो, जरूरी नहीं आपको मेरे से लगानी है, जरूरी नहीं आपको किसी लॉयर के पास जाना है, अपना केस अपने आप मेरे पास बैठोगे, मैं आपको खुद कंसल्टेंट बना दूंगा उतने फीस में, और उसके बाद फिर आप जो करना है करो। अगर आप मेरे से करवाओगे तो उस फीस को मैं लेस भी कर दूंगा, लेकिन ये जो राइट है कि फीस के उसको एप्लीकेशन को लेनी है विद आई डिसाइड, कि मेरे को कई बार मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं कहता हूँ मेरे पास टाइम नहीं है एप्लीकेशन लेने का, अपने आप कर लो, तो फीस है उसकी $275, वो ऑनलाइन जो मेरा लिंक है उससे पे करना है आपको, आपको रसीद मिलेगी, आपको कंसल्टेशन एग्रीमेंट का एक सिग्नेचर करके आपको देना है, उससे आपको एक पता लगेगा कि फीस कौन चार्ज कर रहा है, क्योंकि मैं लाइसेंस्ड हूँ कनाडा में, मेरे पास एक लाइसेंस है फीस चार्ज करने का, और आपके पास एक प्रोटेक्शन है कि आपने जिस आदमी से सलाह ली उसको फीस कितनी पे करी और उसके पास आपको रसीद है, मतलब उसमें कोई हेरा फेरी या कोई इसमें कोई ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पैसे लेके भाग गया, पैसे लेके भाग गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है उससे तो आप उसको रसीद को लेके आप मेरे से फॉलो कर सकते हैं। कुणाल, और कोई बात बताने बता सकते हैं आप बड़ौदा में, फिर ये कौन से होटल में होगा या कैसे होगा, इसके बारे में अगर कुछ दो शब्द? होटल रहेगी ग्रैंड मर्क्यूरी होटल सयाजीगंज। अच्छा अच्छा, ये ठीक है, फेमस होटल है यहाँ का, फेमस होटल। Yeah. तो एक बार ऐसा करें आप अपना जो नंबर धीरे धीरे बोल दें, 1-9-9 ऐसे करके बोलें आप, और इस पे अगर व्हाट्सएप भी है तो व्हाट्सएप भी बता दें, और आपको कितने बजे लोग कॉल करें और क्या डॉक्यूमेंटेशन लेके आना है इसके बारे में बता दें। यस, नंबर विल बी 9998566067, सेम इज व्हाट्सएप नंबर, ओके, और डॉक्यूमेंट्स में रेज्यूमे और आइल्स अगर आपने दिया तो आइल्स का स्कोर कार्ड आप कैरी करके आओ तो बेटर रहेगा, सेम टाइम पे जो भी आपको इंक्वायरी चाहिए वो फुलफिल आपको इंक्वायरी मिल सके। सही है, सही है।
अच्छा का आपने आईलेट्स और रेज्यूमे, साथ में अगर आपकी कोई पुरानी एप्लीकेशन चल रही है, रिफ्यूजल हो गया है, कैपस्टोन्स हैं, या कोई लेटर आया है, कोई आपने जो पुराने से फाइल करी है उसके कोई कागज लेके आए, तो पता लग जाएगा कि पुरानी कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, फॉर्म्स वगैरह देख सकते हो, ये ऑन द स्पॉट हम थोड़ा डिसीजन ले सकते हैं कि इसमें क्या करने वाला है, क्या इसमें गलती हुई है, तो डिसीजन ले सकते हैं बजाय कि फिर ठीक है थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच कुणाल, और कोई अगर कोई मैसेज है तो बता दें, बाकी वी आर श्योर सर, कोई भी अगर आपको क्वेरीज है इमिग्रेशन के सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप ये सेमिनार अटेंड करो, तो आपको परफेक्टली डिटेल्स जो भी है वो ये सर से आपको मिल सकती है, तो प्लीज वी विल अपडेट यू फॉर डेट एंड वेन्यू। ओके, उसमें हमारा फॉर्मेट कुणाल ऐसे ऐसे रहेगा कि मैं एक तो जनरल मैं एक इंफॉर्मेशन सबको देता हूं, और उसके बाद उनसे 1-to-1 देते, 1-to-1 प्राइवेट मिलते हैं उसे, मिनिमम 1-2 hours, 1 घंटे से 2 घंटे कभी कभी बार क्लाइंट में, तो उतना उतना आप मान के चलो कि 2-2 घंटे एक 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 क्लाइंट को मैं देता हूँ, और जिससे उनकी तसल्ली हो जाए प्राइवेटली, लोग कहते हैं को पता होता है कि हाँ माई इंफॉर्मेशन, जो भी क्वेरीज हो डायरेक्टली सॉर्ट आउट कर सके और एक दिन डिस्कस कर सके, एक दिन तो पूरा इसमें लगने वाला हो, और अगले दिन सेकंड डे हम जिसकी एप्लीकेशन करनी है तो मैं अपने हाथ से एप्लीकेशन करूंगा, अगले दिन अगर किसी की एप्लीकेशन करनी है, लेट्स से किसी का स्पाउस वीजा फाइल करना है, लेट्स से किसी के लिए कोई इनएडमिसिबिलिटी के बारे में कोई अपील करनी है, कोई लेटर लिखना है वीजा कुछ है, तो मैं अपने हाथ से आपको फाइल तैयार करके आपको उनको बोलूंगा कि ये फाइल बनी है, अभी आप जमा कर दो जाके, या मेरे से करानी है, मेरे से करा सकते हैं, ये दो दिन का फॉर्मेट रहेगा, तो अगर आपको लगता है कि अगर आप गुजरात के रहने वाले हैं स्पेशली, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम फंसी हुई है पुरानी कैनेडा की, यू आर वेलकम टू कॉन्टैक्ट कुणाल, जिन्होंने नंबर आपको दे दिया है, इस नंबर पर आप उनको कॉन्टैक्ट करके अपना थैंक यू वेरी मच थैंक यू गाइस ठीक है।